नहीं नंबर नहीं दूंगा मैं, पर मार्केटिंग ब्रांडिंग में उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, बहुत कुछ काम किया है, और हमें सीखने को भी मिला है। विदेश नीति के संदर्भ में अभी हर बच्चा जानता है हमारे देश में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2ab क्या है, हर बच्चा जानता है अभी, सरकारी स्कूलों में, निजी स्कूलों में, ये 2ab क्या है पूछते रहता है। बहुत उपलब्धियां हुई सर। जयराम जी पर एक चीज मैं कहूं, 19 जून 2020 का क्लीन चिट प्रधानमंत्री का देना हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ है। चीन के साथ जो हमारा नेगोशिएटिंग पोजीशन है वो कमजोर हुआ है, और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनको क्लीन चिट दे दी, खुद क्लीन चिट दे दी। जहां चुप रहना चाहिए वो क्लीन चिट दे देते हैं, और जहां चुप्पी तोड़नी चाहिए वो कुछ बोलते नहीं। हाँ जी जी सर, कौन? हाँ जैनेन्द्र। यस सर। सर किससे संदर्भ में? जी सर, जी सर। सर विपक्ष के घुमा तौर पर फिरा कर और अपना सर विपक्ष के तौर पर आप लोगों ने सरकार से 9 सवाल पूछे हैं, सरकार की जो खामियां हैं आपके मुताबिक वो उजागर की हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं तस्वीरें सर कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को बॉस बोलते हैं, ये भी हम तस्वीरें देखते हैं कि एक देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं, तो इसको पेश किया जाता है कि देखिए इतनी ऊंचाइयां हासिल कर लिया है, देश इतना मजबूत हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है। इन तस्वीरों पर और इस धारणा पर आप क्या कहेंगे? देखिए एक तो मैं कह दूं कि हर एक प्रधानमंत्री को अलग अलग देश में जाना जरूरी होता है, पर नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने विदेश यात्रा में घरेलू मामलों को मुद्दा बना दिया है। यहां की राजनीति, यहां के जो हमारे मतभेद हैं वो अलग अलग देशों में जाकर प्रचार करते हैं। ये तो पहला पहली बात बार हमें देखने को मिल रहा है, पहले भी प्रधानमंत्री जाया करते थे। आपने बॉस का सवाल उठाया, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा एक स्टेडियम में, और ज्यादातर स्टेडियम यहां से गई थी, वहां यहीं के लोग थे, और क्राउड को देखकर प्रधानमंत्री ने, ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने कहा हमारे प्रधानमंत्री को बॉस। मैं भी था 8 दिसंबर 2009 को कोपेनहेगन में, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति ने मनमोहन सिंह जी को गले लगा कर कहा यू आर माई गुरु। मैं खुद मौजूद हूं, मैं कुछ गवाह हूं। उन्होंने मनमोहन सिंह जी को कहा यू आर माई गुरु। तो ये सब चलता रहता है। सवाल ये है, मूल सवाल, मूल प्रश्न ये है कि हमारे संबंध चीन के साथ, श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान तो अलग है, भूटान के साथ क्या परिवर्तन हुआ है? क्या उसमें कोई हमें कोई अलग चीज देखने को मिली है? अमेरिका के साथ हम गहरे संबंध चाहते हैं, यूरोप के साथ भी हम संबंध चाहते हैं, पर अपने आप को विश्वगुरु के रूप में देखना, मैंने कभी कोई पहले प्रधानमंत्री ने नहीं कहा है। और ये G20 का जो तमाशा इन्होंने करके दिखाया है, G20 में 20 देश हैं, 20 सदस्य हैं, हर एक देश में हर साल ये मीटिंग होती है, 18 देशों में मीटिंग हो चुका है, 19वां देश भारत है, इसमें क्या है उपलब्धि? होना ही था, एक दिन होना ही था, हुआ है, अच्छा है। तो ये विदेश
की नीति में मैं समझता हूं सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें सोचनी चाहिए कि चीन के साथ पिछले 3 साल में जो संबंध बिगड़े हैं और जो क्लीन चिट प्रधानमंत्री ने दिया है, इसका नतीजा हमारे देश पर क्या हुआ है, हमारी कूटनीति पर क्या हुआ है। अजी सर, आस्क ऑन द सेंगोल इशू, वन सेकेंड।